देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और एक बार फिर से मैं जम्मू कश्मीर में चल रही सियासी उथल पुथल से जुड़ी एक और बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं और बात करूंगी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर, क्योंकि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ये महबूबा मुफ्ती ने खुद ही कहा और लगातार बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद कर रही है, पूरी कवायद में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में महबूबा मुफ्ती ने अब अपने विधायकों के टूटने पर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है, हालांकि उन्होंने इशारों में ये बात की है और उन्होंने जो बातचीत की उसमें ये कहा कि मैं दिल्ली की तरफ संकेत नहीं कर रही हूँ, मैं दिल्ली की तरफ इशारा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मेरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और मेरे कुछ ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पर्सनली मुझसे मुलाकात की है और मुझे इस बात की जानकारी दी है कि उन्हें एनआईए की रेड से डराया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है क्योंकि अभी मैं अगर पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट माफी चाहूंगी मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अगर नेताओं की बात करूं मैं तो उसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो लगातार महबूबा मुफ्ती के खिलाफ हैं, बगावती सुर अपना रहे हैं, चाहे मैं बात करूं अहमद मजीद पादरू की बात करूं या इमरान रजा अंसारी की बात करूं, और भी कई ऐसे नेता हैं, आला नेता हैं जो खुलकर अब बगावती तेवर दिखा रहे हैं महबूबा मुफ्ती को। पादरू के ही बयान का जिक्र करूं तो जब महबूबा मुफ्ती ने अभी बीते दिनों सलाहुद्दीन और यासीन मलिक को लेकर धमकी दी थी, भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दी थी, उसके बाद पादरू ने मीडिया से बात की और कहा कि हम बीजेपी को आमंत्रित करते हैं, हमारे साथ 18 विधायक हैं, तो चाहे तो बीजेपी हमारे साथ आकर सरकार बना सकती है जम्मू कश्मीर में। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर अभी कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, ना ही मीडिया में ऐसी कोई खबर सामने आई है, लेकिन हाँ अब महबूबा मुफ्ती की पार्टी जिस तरह से टूट की कगार पर आ रही है, महबूबा मुफ्ती को इस बात का एहसास बखूबी है। अब उन्होंने विधायकों को पहले बचाने की कोशिश की, जब उन्हें लग रहा है कि अब विधायक नहीं मानने वाले हैं और विधायक नहीं सुनने वाले हैं, तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने अब एक बड़ा बयान दिया है। बयान में ये दिया है कि उन पर कहीं ना कहीं जो है एनआईए का डंडा चलाया जा रहा है, एनआईए के डंडे से अब उनको पीडीपी से बाहर निकाला जा रहा है। उन्होंने खास बातचीत की है और उस बातचीत में उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का भी जिक्र किया है और उसके साथ ही कई और बातें हैं जिसको लेकर उन्होंने बोला है, और उन्होंने जो उन्होंने खास बात की उसके मैं कुछ आपको पॉइंट बताती हूँ कि उन्होंने ये कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि ये सब नई दिल्ली से हो रहा है, लेकिन मैंने वहाँ कुछ लोगों से बात की है और उनसे कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से एक धारणा बनाई जा रही है कि विधायकों को पैसों के साथ खरीदा जा सकता है या फिर महत्वपूर्ण कैबिनेट पोर्टफोलियो के लिए पीडीपी छोड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, और अगर वो इसे अस्वीकार करते हैं तो उन्हें एनआईए छापे से धमकी दी जा रही है। अब पीडीपी से बाहर होने वाले विधायकों के सवाल पर महबूबा ने कहा है कि कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां अलगाववाद, मुख्यधारा की राजनीति, आतंकवाद हमेशा ही जो है कोरिलेटेड रहते हैं, और लेकिन एनआईए का मुद्दा घाटी के लिए खतरा हो सकता है। और पीडीपी को तोड़ने के कोशिशों पे उन्होंने ये कहा है कि यदि आप पीडीपी तोड़ते हैं तो आप उस व्यक्ति का सामना कैसे करेंगे जिसने राष्ट्रीय सम्मेलन और पीडीपी या कांग्रेस के लिए वोटिंग करने के लिए गोलियां और अन्य खतरे झेले हैं, आप लोकतंत्र के लिए उनके विश्वास को तोड़ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया हैं, उनका जिक्र किया है कि बर्खास्त करने और उनकी जगह गुलाम मोहम्मद शाह को नियुक्त करने का जिक्र करते हुए मुफ्ती ने कहा कि इस तरह की कोशिश से 1984 की स्थितियां पैदा हो जाएंगी, और उन्होंने कहा कि इस वक्त राजनीति करियर में सबसे कठिन दौर से जो है पीडीपी गुजर रही है और कई विद्रोही विधायक पार्टी को विभाजित करने उन्हें हटाने के बारे में कह रहे हैं और बीजेपी में शामिल होने के बारे में कह रहे हैं, और इस तरह के विद्रोही विधायकों की संख्या लगभग 15 है, और इस बात की खबर महबूबा मुफ्ती को पहले ही मिल गई थी। और महबूबा मुफ्ती हालांकि कोशिश तो बहुत कर रही हैं अपने विधायकों को मनाने की, लेकिन महबूबा मुफ्ती को एक बात पे गौर करना चाहिए कि उनके जो नेता हैं आखिर उनके खिलाफ बगावत कर क्यों रहे हैं, क्या कभी मुफ्ती ने अपनी कार्यशैली पर गौर किया, क्या मुफ्ती ने उन लोगों की विधायकों की बातें सुनी, एमएलए की बातें सुनी जो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जो विधायक अलग हो रहे हैं क्या उनसे उन्होंने उनकी बातों को जाना, उनके कहीं ना कहीं जो है उनसे कुछ हेल्दी डिस्कशन करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, या उनके रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा, उनकी कार्यशैली में क्या खोट है, वो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ठीक रहा, कहीं ना इनडायरेक्टली तौर पर उन्होंने बीजेपी पर ही आरोप लगाया है, हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप तो उमर अब्दुल्ला भी लगा चुके हैं, मुफ्ती भी लगा रही है, उनको पता है कि अगर वहाँ पे किसी की दम है सरकार बनाने की तो वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे अपने दम पर सरकार बना सकती है, सिर्फ इसलिए इसके लिए आधार बनेगा, सज्जाद भी बन सकते हैं
और वहां पे पीडीपी के जो अन्य विधायक है वो भी बन सकते हैं। आधार में इसलिए मजबूत आधार इसलिए कह रही हूँ कि बीजेपी जो है, बीजेपी की रणनीति हमेशा ऐसी होती है कि वो सरकार ना बनाते हुए भी सरकार बना ले जाती है, और आपने इसके उदाहरण देखे भी होंगे। हालांकि कर्नाटक इसका एक अपवादित तौर पर उदाहरण है, जहाँ पे वो सरकार बनाते बनाते रह गई थी। हालांकि उसने वहाँ पे इतना जोड़ तोड़ की राजनीति खूब की, शाम दंड भेद सब कुछ उसने प्रयोग किया था, लेकिन वहाँ पर उसकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। लेकिन कर्नाटक का अगर जिक्र छोड़ भी दे तो पुडुचेरी पंजाब को छोड़ के हर जगह तो भगवा ही लहरा रहा है, हर जगह तो बीजेपी की ही सरकार है। सवाल यहाँ पे ये उठता है दर्शकों की, महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पे ये कहा है कि वो दिल्ली की तरफ इशारा नहीं कर रही है। क्या उन्हें अपने पुराने बयान पे बहुत ज्यादा वो पश्चाताप हो रहा है कि जैसे उन्होंने कहा था कि दिल्ली की इंटरफेरेंस की वजह से कोई भी काम नहीं हो सकता। दिल्ली में कौन है? बीजेपी की सरकार है, माफी चाहूंगी मैं, दिल्ली में कौन है? शासन व्यवस्था यहाँ से संचालित होती है, और दिल्ली में ही सारी देश की पूरी सत्ता को संचालित करने के लिए पूरी रणनीति बनती है। बीजेपी का मुख्यालय दिल्ली में है, तो ऐसे में उनका इशारा कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ही था। महबूबा मुफ्ती से उनका लैंस टूटा है, तो जाहिर सी बात है महबूबा के निशाने पर बीजेपी ही होगी। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है? आप दिल्ली का जिक्र नहीं कर रही है मुफ्ती जी, लेकिन आपने यहाँ पे कहीं ना कहीं इशारों इशारों में आपने दिल्ली को ही निशाने पर लिया है, और दिल्ली को निशाने पर लेने का मतलब है आपका सीधा सीधा कि आप भाजपा को निशाने पर ले रही हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि उन्होंने साफ कहा है कि एनआईए की रेड से उनके विधायकों को डराया जा रहा है। आखिर एनआईए की रेड से क्यों डराया जाएगा विधायकों को? एनआईए क्या करेगा वहां पर जाकर के, इसका भी जवाब देना चाहिए मुफ्ती को। फारूक अब्दुल्ला का जिक्र कर रही है कि वहां पर जिस तरह से नियुक्त किया गया था, फिर उसके बाद गंभीर परिणाम हुए थे। तो आखिर महबूबा मुफ्ती अपने ऊपर क्या काम कर रही है? क्या महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से इस बारे में जिक्र किया? महबूबा मुफ्ती ने विधायकों को रोकने के लिए क्या क्या ये बताया? वो ये कह रही कि उनसे मीटिंग हुई, उसमें ये कहा गया कि उनको धमकी दी जा रही है, और उनके कुछ विधायक ये कह रहे हैं कि वो पार्टी में शामिल हों, उनको बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है। सवाल ये है कि एक विधायक ऐसा होगा, दो विधायक ऐसे होंगे, तीन विधायक ऐसे, चार विधायक होंगे, चलिए मान लेते हैं पांच विधायक ऐसे होंगे, क्या 15 के 15 विधायक ऐसे होंगे या 18 के 18 विधायक ऐसे होंगे? शायद नहीं। इसमें से अगर हम 6-7 को निकाल दें, सारे विधायक ऐसे ही हैं, सबको हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए ही खरीदा जा रहा है, ऐसा भी तो, हालांकि बीजेपी भी इसमें कुछ पाक साफ नहीं है, बीजेपी भी अपनी वहां पे गणित बिठाएगी, क्योंकि बीजेपी ने गठबंधन इसीलिए तोड़ा है क्योंकि उसे अगले साल अपनी सरकार फिर से सत्ता मिलानी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, हालांकि इसका रुख तो पहले स्पष्ट हो गया जो लोकसभा में वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पे जीत दर्ज की है बीजेपी ने, बीजेपी के खिलाफ ज्यादा वोट ही नहीं पड़े, तो इसमें आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से गणित साफ हो गई है कि अगले साल मोदी सरकार ही आएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री या कोई और ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, क्योंकि ये तो बीजेपी की अपनी रणनीति होगी, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अगले साल बीजेपी की सरकार आना तय हो गया है, जो बीते कल यानी कि 20 जुलाई को लोकसभा में जो कुछ देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि अगर लोकसभा को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा, तो उन्होंने देश हित का जिक्र किया था, राम माधव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रही हूँ, देश हित का जिक्र किया था, देश हित के लिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा था, तो उसके बाद से ऐसे हालात घाटी में हो गए हैं कि वहाँ पे लगातार सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहे हैं, उथल पुथल का दौर चल रहा है, और ऐसे में हर कोई ये सोच रहा है कि कब क्या वहाँ पर हो जाए। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो, उनका ये मानना है कि वहाँ पर विधानसभा को भंग कर दिया जाए, अगर भंग करवा हो जाती है विधानसभा, तो जाहिर सी बात है दोबारा चुनाव करने की स्थिति हो जाएगी। बीजेपी ये कतई होने नहीं देगी, क्योंकि गठबंधन तो उसने अपने सियासी फायदे के लिए ही तोड़ा है, वरना अभी गठबंधन तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन मुफ्ती भी इससे आधे कदम आगे निकलने वाली थी, मुफ्ती को कहीं ना कहीं उन्हें पटरी पर लाना था, पटरी पर लाने के लिए बीजेपी ने पहले ही दाव खेल दिया, गठबंधन तोड़ दिया। क्या जम्मू कश्मीर, अब वहां पर यह कहा जा रहा है कि राज्यपाल शासन जब से लगा है वहां पे जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था और ज्यादा अच्छी हो गई है, वहां पे प्रशासन और शासन मिलकर और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं, और वहां पे अनंत वोहरा का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था, लेकिन उसको विस्तार रूप दे दिया गया है। अब वहां पर दिसंबर तक राज्यपाल शासन रहता है या नहीं, क्योंकि एक खबर यह भी आई थी कि अगस्त के अंत तक वहां पर हो सकता है कि बीजेपी अपनी सरकार बना ले जाए। अगर मैं जम्मू कश्मीर असेंबली का जिक्र करूं, जैसा कि यहां पर महबूब मुफ्ती के बयान का मैंने जिक्र किया, आपको बताया क्योंकि कुछ विधायक हैं जो कि कह रहे हैं कि उनको एनआईए की रेड से डराया जा रहा है, कि उनको एनआईए अपने शिकंजे में कस सकती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं मजबूरन जो है पीडीपी से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है पीडीपी से बाहर जाना। अब मैं अगर जम्मू कश्मीर असेंबली सीट का जिक्र करूं, तो 87 सीट्स हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में, पीडीपी सबसे मजबूत स्थिति में, उसके पास 28 सीटें हैं, बीजेपी 25 पर काबिज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 पर काबिज है, कांग्रेस 12 पर काबिज है, सद्दात लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के पास जो है कुल दो विधायक हैं, सीपीएम के पास एक है, और ऐसे में जो पीडीएफ पार्टी उसके पास एक विधायक है, और इंडिपेंडेंट जो लीडर है वहाँ पर वो तीन है। ऐसे में अगर गणित बिठाई जाए, अगर यहाँ पे 15 विधायक जो संभावित जिनकी संभावना है कि वो पीडीपी छोड़ सकते हैं, तो ऐसे में अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं और इसमें बीजेपी एक दाव खेलती है कि सज्जाद लोन को, जैसा कि संपर्क में है सज्जाद लोन से, तो सज्जाद लोन को अगर सज्जाद लोन के विधायक को अपने आप मिलाती है, जो निर्दलीय है उनको मिलाती है, जो अन्य है उनको मिलाती है, तो बीजेपी की सरकार बन सकती है। और बीजेपी शायद इसी रणनीति में लगी भी हुई है। हालांकि अभी राम माधव ये कहते हैं कि नहीं, वहाँ पे बदस्तूर जो है राज्यपाल शासन ही चलता रहेगा, वहाँ पे कोई दोबारा सरकार नहीं बनेगी और ना बीजेपी इसके पक्ष में है, लेकिन कौन जानता है कब क्या कर दे बीजेपी। कभी इंद्र गुप्ता का जिक्र करूंगी, वो कह रहे हैं कि रणनीति बनाई जा रही है सरकार बनाने के लिए। अब पार्टी के दो नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, अब किसकी सुनी जाएगी, राम माधव की सुनी जाएगी या फिर कविंद्र गुप्ता की सुनी जाएगी, सवाल तो यही है। लेकिन ये भी है कि बीजेपी वहां पर सरकार बनाएगी, क्योंकि ऐसा भी कहा गया था कि वहां पर सज्जाद लोन के समर्थन से बीजेपी सरकार बना सकती है, इसमें पीडीपी का भी सहयोग होगा जो बाकी विधायक होंगे, और फिर वहां पर एक मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी का होगा, और ये जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद पहली बार होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हालात आप सभी उससे रूबरू हैं कि वो एकदम संजीदा राज्य है, उसके लिए धारा 370 है, हर चीज़ वहाँ के नियम कानून सब कुछ अलग है, देश के बाकी राज्य एक तरफ और जम्मू कश्मीर एक तरफ, और शायद इसीलिए वहाँ जो शासनिक व्यवस्था है, जो जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था, जो शासन है वहाँ पे, सरकार है उसका कुछ अलग ही वहाँ पे एक एजेंडा रहता है, उसकी अपनी एक अलग सोच रहती है। महबूब मुफ्ती के तर्क तेवर तो यही बताते ना, जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य है, जम्मू कश्मीर आपकी रियासत नहीं है, जम्मू कश्मीर आपका पार्ट नहीं है, हमेशा मुफ्ती ये इस बात का कहीं ना कहीं एहसास कराती है। फिर पीएम मोदी को बोलती है 56 इंच में 1 इंच जम्मू कश्मीर को दे दो, आपको तो हम पूरा अपना मानते हैं, आप बताइए हिंदुस्तान को आप कितना इंच देती हैं, आप हमें ये बताइए। आपने पीएम मोदी को सिर्फ ये बात कह दी, लेकिन आपका जितना इंच का, आप कितना इंच अपने दिल में जो हिंदुस्तान को देती हैं ये बताइए। आपने वहाँ पे 3.5 साल शासन किया, आपने क्या किया वो बताइए, आप बताइए ना। आपने वहां पे ये कहा कि हमने एक मुख्य धारा से हटते हुए हमने ऐसी विचारधारा पार्टी से गठबंधन किया जिसकी विचारधारा को बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपने फिर उसके साथ गठबंधन किया, तो ये आपकी भी तो मजबूरी थी महबूबा मुफ्ती जी। कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे पर दोहमत लगा रही हैं तो दोहमत तो आप पर भी लगे, कहते ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं, तो इस पर महबूबा मुफ्ती जी आपको भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पीडीपी अगर टूट के कगार पे आ रही है तो इसके लिए आप बीजेपी पर दोहमत नहीं लगा सकते। बीजेपी की तो कार्यशैली ऐसी है ही कि वो सरकार तो कैसे भी बना ही लेती है, लेकिन यहाँ पे आप कैसे अपने विधायकों को बचाती हैं ये आपके हाथ में जरूर है। आप किसी पे आरोप लगाने की अपेक्षा अगर अपनी कार्यशैली पे गौर करेंगी, उस पे सुधार करेंगे, तो शायद आपके टूटे विधायक या जो बाकी विधायक हैं वो अपने आप आपकी तरफ चले आएंगे। शायद यही सबसे बड़ा एक आपके पास जरिया है जिससे आप पीडीपी को बचा सकती हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी यही थी बड़ी खबर, कल फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।